बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाहरा और आप देख रहे हैं फाहरा कुकिंग टीवी। आज हम बना रहे हैं शनवारी कढ़ाई। मेरे बेटे ने कहा कि मामा आज हमें शनवारी कढ़ाई ही ईद आ रही है। मैंने कहा क्यों ना आपसे भी रेसिपी शेयर की जाए। चले बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन ले लिया, 2 के वॉश कर लिया, 6 सब्ज़ मिर्च इस तरह साबुत ले ली, इसको मैंने कटिंग करके डालूंगी। 1 पाव टमाटर ले लिए, थोड़ी सी दड़ा मिर्च, थोड़ी सी वाइट मिर्च और 1/2 चम्मच ब्लैक मिर्च और 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कप ऑयल का लिया, ऑयल गर्म हो गया, इसमें ऐड करेंगे नमक और साथ ही ऐड करेंगे चिकन। से 6 मिनट हम चिकन की बनाई करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो रहा है। 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को बनाई करते हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट डाल के मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे चिकन की। लहसुन अदरक ऐड करके हमने भुनाई कर ली। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके कवर लगा के 12 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे। फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे। 12 मिनट पूरे हो चुके हैं हमारे। अब टमाटर के हम छिलके रिमूव कर लेंगे। चिकन हमारा टेंडर हो चुका है, टमाटर के छिलके हमने उतारे। मज़ीद हम इसकी थोड़ी सी और बनाई करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे दड़ा मिर्च, वाइट मिर्च और ब्लैक मिर्च। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चिकन की बनाई की। मसाले ऐड करके हमने मज़ीद बनाई कर ली। चिकन शनवारी कढ़ाई हमारी तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई इस तरह। ठीक है, आप अपने बच्चों को, मेहमानों को, सबको ये कढ़ाई बना के खिलाएं। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।